गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मूरी बाय पल्लवी सिंह। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से जाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेसिपी एक हेल्दी और इजी ब्रेकफास्ट की, क्योंकि इस भाग दौड़ की जिंदगी में जिस चीज से सबसे पहले हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो होता है हमारा ब्रेकफास्ट। क्योंकि रात को आते हैं ऑफिस के बाद लेट, सोते हैं लेट, फिर सुबह उठने में हो जाती है लेट और फिर भाग कर जल्दी ऑफिस में जाना है। फिर हम क्या सोचते हैं, छोड़ो यार बाहर कुछ ना कुछ तो खा ही लेंगे। हालांकि हमें ये चीज करनी नहीं चाहिए, हमें ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं एक इजी ब्रेकफास्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि काफी टेस्टी भी है और इसकी इंग्रेडिएंट्स जो है वो बहुत ही इजीली आपके किचन में मिल जाती है। तो आइए हम रेडी करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। कढ़ाई गरम होते ही डालेंगे हम रिफाइंड और थोड़ा सा घी। घी काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है खाने को, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा घी यूज़ करूँगी। और जब हमारा घी और रिफाइंड दोनों ही गरम हो जाए तो इसमें हम डालेंगे अच्छे से चॉप किया गया अदरक, तेज पत्ता और एक प्याज जिसको मैंने अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर दिए हैं। अब इनको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाल ना हो जाए। आप देख सकते हैं ये हो चुका है लाल। अब इसमें हम मटर डाल देंगे। मटर डालने के बाद इसको कम से कम 5 से 7 मिनट तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। फिर हमने एक पेस्ट रेडी किया है जिसमें मैंने हरी मिर्च और धनिया पत्ता डाला है। ये पेस्ट रेडी होने के बाद उसको भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे और फिर इसको अच्छे से फ्राई करते रहेंगे। फ्राई करते करते फिर बीच में इसमें हम बिल्कुल ही मतलब चुटकी जितनी इसके अंदर चीनी मिलाएंगे, वो काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है। जब तक ये फ्राई होगा आइए हम अपने पोहे को भी रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने पोहे को 5 मिनट के लिए पानी के अंदर डालकर छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद कॉटन के कपड़े की मदद से पानी को बहुत ही अच्छे से पोहे में से निकाल देना है। देख सकते हैं आप जैसे कि मैंने पानी को बहुत ही अच्छे से निकाला है और पोहा हल्का सा सूख भी गया है। अब हमारा जो मसाला जो हो चुका है रेडी, उसमें हम पोहे को मिक्स करेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, जो मसाला हमारे पोहे में मिक्स हो जाए प्रॉपरली। और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है हमारे खाने को। और फिर एक हाफ नींबू कट करके नींबू इसके अंदर आप डाल दीजिए। ये दोनों चीज़ डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करते रहिए ऑलमोस्ट टू टू थ्री मिनट्स के बाद इसको चलाते चलाते हमारा पोहा हो चुका है रेडी। आइए अब हम इसको सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं पोहा देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है और पोहा हो और साथ में चाय ना हो ये तो हो नहीं सकता। इट्स यमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।